पिछले 70 वर्षों में भारतवर्ष में अरबपतियों की संख्या लगभग 1000 गुना बढ़ गई है। किंतु आपने क्या कभी ये सूचना भी सुनी कि सुखी व्यक्ति भी 1000 गुना बढ़ गए हैं? ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ये मात्र एक मृग तृष्णा ही है? एक उदाहरण देते हैं आपको ऐसे व्यक्ति का जो भौतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सफल था। यह लगभग 1960 के आसपास जो हिप्पी जेनरेशन था उसमें हुआ एक गायक एल्विस प्रेस्ली। इसके पास विश्व के इतिहास का रिकॉर्ड है सर्वाधिक म्यूजिक एल्बम्स का सेल 150 मिलियन। क्या स्वर्णिम उसकी आवाज थी, इतना यश और वैभव। किंतु उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा था? अपना शो करने के पश्चात जब वापस आता था अपने सेवकों को कहता था गिव मी द फर्स्ट हिट, तो वो उसे कुछ चरस गांजा इत्यादि ड्रग्स देते थे, उसे खा लेता था, उसके कंधे के पीछे उसे इंजेक्शन लगाते थे और फिर एक रेस प्रारंभ हो जाती थी कि सोने से पहले वो कितना खा पी सकता है और टुन होके सो जाता था। अगली बार वो सुबह 4 बजे उठता था, सुबह के 4 बजे उसकी नींद टूटती थी तो अपने सेवकों को कहता था गिव मी द सेकेंड हिट, पुनः वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। बाद में मध्याह्न 12 बजे जब वो पुनः जागता था, अब भले वो मांगे या न मांगे उसके सेवक उसे थर्ड हिट दे देते थे, तो मुश्किल से शाम के 6 बजे दवाइयों को लेकर वो जागता था, अपने परफॉर्मेंस के लिए पहुंचता था और पुनः वो ही क्रम शुरू हो जाता था। वो जब मरा लोगों को पता नहीं चला कि ड्रग्स के ओवरडोज से मरा या उसने आत्महत्या कर दी। यहां एक मनुष्य था जिसके पास इतना अधिक वैभव था किंतु भीतर से अशांत, दुखी, परेशान था। दूसरी तरफ एक ऐसी महिला का उदाहरण देते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। इसका नाम आपने शायद सुना होगा, हेलन केलर। छोटी सी हेलन जब 18 मास की थी उसे कुछ वायरस हुआ जिसके द्वारा उसकी 2 इंद्रियां नष्ट हो गई। उसके बाद जीवन पर्यंत वो न कभी कुछ देख पाई न सुन पाई। अब माता पिता जब उसको हाथ लगाए तो गुस्से में वो झुंझला जाए। माता पिता परेशान, जब वो 6 वर्ष की थी उसे विकलांग पाठशाला में ले गए। वहां हैंडीकैप स्कूल की प्रिंसिपल थी एन सुलेवन। एन सुलेवन ने भी उसको हाथ लगाया तो फिर से वो हेलन केलर झुंझला गई। एन सुलेवन ने माता पिता को कहा इसे रात्रि मेरे पास छोड़ दीजिए। वो जब गए एन सुलेवन ने हेलन का हाथ नलके के पानी के नीचे रखा और दूसरे हाथ से पानी का एक चित्र टाइप का उस पर उसका हाथ फेरा तो हेलन के मन में एक बल्ब लाइट हो गया। जीवन में पहली बार उसे बोध हुआ कि वस्तुओं के नाम या डेजिग्नेशन होते हैं। उसकी इच्छा हुई मैं और सीखूं। सोने से पहले उसने 30 वस्तुओं की जानकारी ले ली। बस उसके बाद उसने वापस मुड़कर देखा नहीं। वो ग्रेजुएट बनी हार्वर्ड, जो विश्व का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, वहां जाकर उसने अध्ययन किया और विश्व भर में परोपकार चैरिटी करने लगी। उससे भी उसको संतोष नहीं हुआ। उसकी इच्छा हुई कि मैं प्रवचन दूं
अब सुन तो पाती नहीं, लेकिन चमत्कार घटित हुआ। एन सुलिवन बोलती थी, वो एन सुलिवन के मुख पर, होंठों पर, गले पर हाथ रख के समझती जाती थी कि कैसे करने से किस प्रकार की आवाज उठेगी, और विश्व भर में लेक्चर देती रही। अपनी वृद्धावस्था में मरने से पहले उसने अपना टेस्टिमोनियल दिया। उसने कहा, जीवन इतना सुनहरा रहा है, मैंने एक एक क्षण को एंजॉय किया है। अतः देखिए, जिसके पास कुछ नहीं था वो सुखी रहा, जिसके पास सब कुछ था वो दुखी रहा। तो ये सूत्र फॉर्मूला कि भौतिक वस्तुओं के आधिक्य से आनंद की अनुभूति होगी, ये तो गलत सिद्ध हुआ। इसलिए हमारे वेदों ने कहा, अरे मनुष्यों, तुम जो बाहर आनंद के लिए अधाधुंध भागते जा रहे हो, ये मृग तृष्णा को खोज रहे हो, आनंद तुम्हारे अंदर है। कबीर जी ने कहा, पानी बिच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। तो वो भीतर वाला आनंद, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, हम इस पर अब विचार करेंगे अगले एपिसोड में।